एक और ट्विस्ट। सबसे पहले आपको बता दें कि जल्द ही अनुज और अनुपमा की शादी होगी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सादगी से, क्योंकि उन दोनों के पास अब कुछ भी बचा नहीं है, दोनों रोड पे आ चुके हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ भी वो अपनी बहन मालविका को दे देगा, और यहां पर इस बात से वनराज बहुत खुश होगा क्योंकि वनराज जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा हो रहा है। यहां आप देखेंगे अनुज अपनी सारी जिम्मेदारी मालविका को सौंपेगा, उसे सारी पेपर्स दे देगा, घर गाड़ी की चाबी दे देगा, सब कुछ दे देगा और यहां से निकल रहा होगा। ऐसे में मालविका उसे बुलाती है, भाई दो मिनट के लिए आपको यही लगेगा कि मालविका को अपनी गलती का पछतावा होगा, उसने जो किया है वो गलत किया है ऐसा सो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मालविका भाई को रोकती है उसके दिमाग में वनराज की बात आ जाती है कि इस समय अनुज तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं, अपने मुक्कू के लिए नहीं, अपनी अनुपमा के लिए सोच रहा है, और फिर से मालविका के दिमाग में वनराज की बातें आ जाती हैं और यहां पर वो अपने भाई को जाने देती है। आप देखेंगे अनुपमा और अनुज पहली बार कंपनी से इस तरह निकल रहे हैं जैसे वो पूरी तरह से खाली हो चुके हों, उनके पास ना ही काम है, ना ही पैसे हैं, ना ही कुछ है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबूजी यहां इंसिस्ट करेंगे दोनों को शादी करने की, और दोनों ही सिंपल तरीके से शादी कर लेंगे क्योंकि अनुपमा ने लिया है बड़ा फैसला कि कुछ भी हो जाए वो अनुज का साथ नहीं छोड़ेगी और अनुज को गलत भी नहीं करने देगी। जी आज के एपिसोड में ये बड़ा ट्विस्ट है, जल्द ही हम अनुज और अनुपमा की शादी देखेंगे एक बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बड़ा ट्विस्ट यह आएगा कि मालविका को जल्दी इस बात का एहसास होगा कि वनराज उसे इस्तेमाल कर रहा था। क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट हम आप तक लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।